ट्रॉफी का फाइनल बस कुछ ही देर में ओवल में होने वाले पाक भारत टाकरे का हर किसी को बेचैनी से इंतजार है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इलियास कहते हैं, भारत के मिडिल ऑर्डर को प्रैक्टिस का कम मौका मिला है, टॉप ऑर्डर जल्दी आउट कर लिया जाए तो जीत दूर नहीं। ये मुकाबला है पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेज इंडियन बैटिंग। इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है और अगर अली ऑनम कोहली को शर्मा और देवान को आउट कर लेते हैं बहुत ज्यादा चांस है हम इनको आउट कर लें, क्योंकि शर्मा और कोहली जो है वो लंबे खेलते हैं, नए गेंदबाज को भी ड्राइव करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा चांस है जीतने का। हेड कोच नेशनल क्रिकेट एकेडमी मुश्ताक अहमद और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद खलील ने कहा कि ग्रीन शर्ट को कामयाबी के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार करना होगा, शाहीनों को अपना लहू गर्म ही रखना होगा। आपको फेलियर का डर आपके जेहन से निकलना चाहिए कि मैं आउट ना हो जाऊं, मुझे चौका ना पड़ जाए, मुझसे मिसफील्ड ना हो जाए। जब ये आप ये सोचें रख के मैच में जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान टीम को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। टॉस बहुत वाइटल किरदार अदा करेगा, इंग्लिश कंडीशन में पाकिस्तान बॉलर्स को बहुत सूट करेंगे फर्स्ट बॉलिंग, तो अगर हम लोग पहले बॉलिंग करते हैं और इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करते हैं 280 तो वी गोना चेज। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का कहना है कि भारतीय मजबूत बैटिंग लाइन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को तगड़े बॉलिंग अटैक के साथ काम करना होगा। झपटने पलटने का अमल तेज रहा तो शाहीन शिकार कर ही लेंगे। सादिया निसाज लाहौर।